नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको शायद पता होगा कि अभी तक मेरे 6 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहली 6 राशियों के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं, और अगर आप पिछले वाली राशियों में से किसी का भी भविष्य जानना चाहते हैं कि उसका साल भर कैसा रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष कार्य क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है उनके लिए। मतलब कोई ना कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, कोई नई काम को शुरुआत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तकनीकी संयंत्रों की बढ़ी हुई क्षमता से ये वर्ष विशेष उन्नतिकारी होगा। भवन आदि में सोलर पैनल लगवाने का विचार बनेगा। जुलाई अगस्त में मूल्यवान वस्तु का नुकसान या दूसरों से धोखा व लापरवाही से आर्थिक हानि के संकेत है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त के महीने में आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कोई मूल्यवान वस्तु आपसे खो जाए या आपकी कोई किसी प्रकार की आर्थिक हानि हो जाए। घरेलू सुख सुविधा के आधुनिक उपकरण की प्राप्ति संभव है। घर में सुख सुविधा के लिए हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ खरीद लें जो कि आपको सुख प्रदान करे। पारिवारिक क्षेत्र में किसी बड़े उत्तरदायित्व, शादी विवाह, शिक्षा आदि से जुड़ी उलझनों से को निपटाने में आपको अतिरिक्त धन की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। यानी आपके घर हो सकता है कोई शादी विवाह आ जाए, बच्चों की कोई किसी प्रकार की शिक्षा के लिए आपको लोन लेना पड़े, या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आपको लेनी पड़ सकती है। इस वर्ष हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। कुछ वर्षों से जो प्रमोशन का चल रहा है, वो इस वर्ष होने की संभावना है। आप पर आश्रितों की संख्या बढ़ेगी, मतलब आपके ऊपर और लोगों की निर्भरता बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो सहकर्मी से आपको बार बार तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपका जो कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं, उनसे आपका थोड़ा मनमुटाव या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से आप अपना कार्यक्षेत्र बदलने का मन बना सकते हैं। यानी आपको इतनी प्रॉब्लम उनसे हो सकती है कि आपका मन करेगा कि यार इस नौकरी को बदल दिया जाए। सामाजिक क्षेत्र में यह वर्ष सम्मान कारक होगा। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट जून से नवंबर के मध्य उभर सकते हैं। यानी कि जून के महीने से नवंबर के महीने तक हो सकता है इस बीच में आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में अनचाहे स्थान पर परिवर्तन संभावित हो सकता है। हो सकता है कि जो वर्ष का उत्तरार्ध है, उसके अंदर आपको ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ पे आपका मन ना करे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग कड़ी मेहनत के बाद ही संभव है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो इस वर्ष आप अपने विशेष स्थान बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे आपको सफलता भी भरपूर मिलेगी। इस वर्ष शुभ कार्य होने के साथ ही धार्मिक कार्य भी होंगे। यानी आप शुभ कार्य तो करेंगे, साथ में धार्मिक कार्य भी आपके हाथों से होगा। अगर आप ये सब चाहते हैं, तो आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें और गणेश जी की आराधना करें, एवं फलदार वृक्ष का लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।